हाय गाइस, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने सॉल्व किया क्वेश्चन 13 एक्सरसाइज 7B से। गिवन है क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर दिस फिगर थ्री लाइंस ए बी सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ सच दैट एंगल ए ओ ई 35 डिग्री है, एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है। फाइंड करना मेजर ऑफ ए ओ सी, बी ओ एफ, सी ओ एफ एंड डी ओ ई। ए ओ सी मीन्स ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, बी ओ एफ मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है, सी ओ एफ मीन्स ये वाला और ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये चारों एंगल हमें फाइंड करने हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से हमने फिगर ड्रॉ किया है, ए बी सी डी ई एफ तीन लाइंस इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ओ पे, एंगल ए ओ ई 35 डिग्री गिवन है, बी ओ डी 40 डिग्री गिवन है। ये चार एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देख सकते हैं ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। देन क्या होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन द लोअर साइड ऑफ ए ओ बी एट अ पॉइंट ओ इज़ 180 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, हम यहाँ ए ओ बी की लोअर साइड में देखेंगे, मीन्स ये तीनों एंगल 35 वाला, 40 वाला और एक ये डी ओ ई वाला एंगल, तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ए ओ ई एंगल प्लस डी ओ ई एंगल प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए ओ ई और बी ओ डी की वैल्यू गिवन है, पुट करेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा, एंगल डी ओ ई 35 + 40 इज इक्वल टू 75। इसको ट्रांसपोज करके राइट में लाएंगे, माइनस में हो गया, 180 - 75 इज इक्वल टू 105 डिग्री। सो एंगल डी ओ ई क्या हो गया, 105 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से सी ओ एफ क्या हो जाएगा, डी ओ ई के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हेंस एंगल सी ओ एफ हमें क्या मिल गया, 105 डिग्री। नाउ बी ओ एफ और ए ओ ई दोनों इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए बी ओ एफ भी हमें क्या मिल गया, 35 डिग्री। और एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ सी दोनों इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए एंगल ए ओ सी भी हमें क्या मिल गया है, यहाँ पे 40 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये सारे एंगल्स फाइंड कर लिए हैं, चारों एंगल्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, इजी है, स्टेप बाय स्टेप हमको उसे सॉल्व करना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।